हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। और आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राजू मांझी सर, जो प्रेजेंटली वर्किंग है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के वेरियस चैलेंजेस से जो स्टूडेंट फेस करते हैं हमारी अपनी एकेडमिक्स लाइफ में। तो सर, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। थैंक यू करिश्मा, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले स्टूडेंट जब भी अपनी एकेडमिक लाइफ में आता है तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर एक टॉपिक है, उसको आंसर राइटिंग पे फॉर्म में कैसे लिखें कि उसको मार्क्स अच्छे मिले, ये एक जनरल स्टूडेंट का एक रहता है। करिश्मा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ऐसा है कि इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हमेशा हम लोग क्लास में जब भी जाते हैं तो स्टूडेंट्स को एक बात ये बताने का प्रयास करते हैं कि रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। हमेशा स्टूडेंट्स क्या करता है कि क्वेश्चंस को नहीं पढ़ता है, और वो करता क्या है कि जो प्रिपरेशन किया है उसी पर वो आंसर अपना देना शुरू कर देता है। आप क्वेश्चंस को देखें कि स्पेसिफिक क्या मांगा गया है। क्वेश्चंस नॉर्मली जब कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो पार्ट वाइज बनाए जाते हैं, और प्रयास ये किया जाता है कि हमें स्पेसिफिक आंसर चाहिए। बहुत उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन से ऐसा अगर डिमांड है तभी। तो पहली बात तो यह है कि आप जब भी शुरू करेंगे तो आप ये देखें कि क्वेश्चंस में क्या कंटेंट है। क्वेश्चंस की कंटेंट को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे आप क्वेश्चंस की कंटेंट को समझ लेते हैं तो फिर आपका आंसर वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर मान लीजिए डिफाइंड वर्ड यूज किया गया है तो स्वाभाविक है कि आप डेफिनेशंस पार्ट में जाएंगे, और डेफिनेशंस पार्ट में लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि फर्स्ट यू टेक द डेफिनेशंस इफ इट इज गिवन फ्रॉम द स्पेसिफिक एक्ट। अगर स्पेसिफिक एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो स्पेसिफिक क्लॉज को मेंशन करते हुए आंसर देने की जरूरत है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जब एज इवैल्यूएटर जब आपको देखता है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट्स को लॉ की नॉलेज है या नहीं है, और लॉ की नॉलेज मीन्स वो बेयर प्रोविजंस को जानता है कि नहीं। अब बेयर प्रोविजंस को कैसे एफेक्ट होगा कि आप उसमें अपने सेक्शंस के साथ आप उसके डिफिनेशन, हो सकते हैं कि आपके लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकते हैं लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, आपको ये देखने की जरूरत है। उसके बाद ये देखना है कि आंसर और आगे क्या कर रहा है, कि क्या वो डिस्क्रिप्शन चाह रहा है, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे कि एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स उसके क्या है, उस डिफिनेशन के एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स क्या है, उस एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स को उतने ही लिखना है जितना आपको स्पेस प्रोवाइडेड है या जितना वो चाह रहा है। ये थर्ड चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है लॉज आंसर के लिए, कि वो आपको केस लॉज से उसको सपोर्ट देने पड़ते हैं कि जुडिशियल अप्रोच क्या है। तो जुडिशियल अप्रोच दो तरह की चीज़ों का हम लोग उसमें ध्यान में रखते हैं कि पहले तो ये है कि कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं, वो प्रिंसिपल्स लेट डाउन में आपको देखना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के साथ चलेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रिंसिपल लेट डाउन किए रहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है अभी तक, उसमें वो हाई कोर्ट में ही ये लेट डाउन किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के लिए वो जरूरी नहीं होता है कि वो उसको फॉलो करे, लेकिन फिर भी ये हाई कोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट करती है उसको, या ऐसा माना जाता है, तो आप उसको साइड कर सकते हैं कि उस हाई कोर्ट में ऐसा कहा गया है। और आपको सबसे जो इम्पोर्टेंस है, जो एक इवेल्युएटर जो आपसे जानना चाहता है, कि वो देखता है कि अगर इसमें लेटेस्ट कोई जजमेंट आई है या कोई उसमें डेवलपमेंट आया है, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट। आप अगर इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लिखे हैं तब आपको आंसर को बहुत लंबा किए हैं तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप अगर इतने कंटेंट को आप बहुत अच्छे ढंग से लिखे हैं, अच्छे ढंग से लिखने का मतलब दो तीन चीज़ें उसमें आवश्यक हो जाती है। एक तो लेजिबल होने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके बहुत अच्छे हैंडराइटिंग होने चाहिए। एक्सपेक्ट किया जाते अच्छे हैंडराइटिंग होंगे, अच्छे प्रेजेंटेशन होंगे तो अच्छे दिखते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर बहुत अच्छे आपके हैंडराइटिंग नहीं है तब आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंटेंट पर मार्क्स दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन लेजिबल होना चाहिए, वो आराम से पढ़े जाने चाहिए। अगर उसमें स्ट्रेस हमको देना पड़ेगा, किसी इवेल्युएटर को स्ट्रेस देना पड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि ह्यूमन नेचर है, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव ये आ जाती है, और हो सकता है कि आपको थोड़ा कम मार्क्स दें, तो ये लेजिबल प्रयास किया जाए। अगर इन सारी चीज़ों का आप देखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं।
सर बहुत सारे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को ना रेफर करके एडिशनल जो मार्केट पे अवेलेबल बुक्स होती हैं शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग या बैंक बुक्स जैसे कहते हैं उसको रेफर ज़्यादा करते हैं अपनी एग्जाम्स राइटिंग के टाइम पे, तो सर उनके लिए आपको कुछ करिश्मा देखो ऐसा है कि ये बड़ी शॉर्टकट मेथड्स होती हैं। आपको जब भी नोट्स प्रिपेयर करने होंगे तो कुछ जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑथोरिटेटिव बुक्स, लॉ में एक दो ऑथोरिटेटिव बुक्स होते हैं उसको आपको रेफर करने पड़ेंगे। आपको जब भी जब आप देखते हैं तो टेक्स्ट बुक के बिना कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं रहता है। टेक्स्ट बुक दो तीन चीज़ों को आप देखें कि टेक्स्ट बुक हेल्प आपको ये करती है कि टेक्स्ट बुक अच्छी पब्लिकेशंस की होनी चाहिए। अच्छी पब्लिकेशन से सेंस ये है कि वो एरर पर बहुत अधिक ध्यान देता है कि उसमें कम से कम एरर हो। ह्यूमन एरर है, हो सकता है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आप जब ये जो ऐसे टेक्स्ट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप उसको कभी अगर देखेंगे तो उसमें बहुत अधिक एरर के चांसेस होती हैं और वो लिमिटेड कंटेंट होते हैं। तो लिमिटेड कंटेंट जब होंगे और वो सिर्फ ऊपर के ओवर को चेंज करते हैं, अंदर के कंटेंट वो आज से 10 साल पहले जो लिखे गए हैं वही कंटेंट होंगे, लेकिन ऊपर में जब लिखेंगे तो रिवाइज एडिशन लिखेंगे, लेटेस्ट एडिशन लिखेंगे, आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। और वो एक आदमी का लिखा हुआ वो वैसे ही चल रहा है क्योंकि उसको मार्केट करना है। और स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो एग्जाम के पहले वो तैयारी नहीं कर पाते हैं तो वो उसको प्रीफर करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि एक आदमी के द्वारा एक समय जो डेवलप किया गया है उससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको उसको अवॉइड करना है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, बेयर टेक्स्ट को बड़े ध्यान से देखना है और इन दोनों को मिला के आपको एक अच्छी नोट्स बनानी है और उसी के आधार पर आप अपने एग्जाम को तैयार करें। ये शॉर्टकट मेथड्स जो हैं कभी आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला सकते हैं। और समस्या उसमें ये होती है कि अगर इसी को लेके चलेंगे तो इवेल्युएटर क्या करता है, जब पांच कॉपी को देखता है तो पांच कॉपी में एक ही जैसे कंटेंट मिलते हैं। जहां इसे पांच एक ही जैसे कंटेंट मिलते हैं इवेल्युएटर फिर उसको क्या करता है कि फिर उसको अंडरएस्टिमेट करने लगता है और कहता है कि ये किसी नोट्स बने हुए हैं उसी सब लिखे हुए हैं, कोई नए कंटेंट उसको नहीं मिलते हैं, तो फिर आप वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है और एवरेज मार्किंग के उसमें आ जाएंगे। तो आपको इससे बचने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं। और टेक्स्ट बुक जैसे पढ़े जाते हैं तो इवेल्युएटर किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ाते हैं उसको भी रेफर करता है कि अच्छा ये इसमें ये है। और सबसे अच्छा है कि ये सब सारे एग्जाम्स जो है पर्टिकुलरली वो उससे आप कुछ नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आपको तो जब भी मेंस एग्जाम में देने पड़ेंगे तो आपको अपनी नोट्स होनी चाहिए और वो जब तक आप दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं है तो डिस्टिंग्विश मार्क्स भी आपको मिलने वाले नहीं। तो यू हैव टू बी डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स with the taking 3-4 good textbook, it will help. So last semester में आते-आते students बहुत confused होते हैं अपने आगे graduation, post graduation को लेकर कि हमको post graduation में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या benefit है उसके regarding, तो sir अगर आप इसको देखो करिश्मा ऐसा है कि वो depend करता है कि students जो हैं उसकी अपनी mentality क्या है, ये depend करती है। mentality इस समय यह है कि society setup करती है। हर कोई आदमी ऐसा जो बच्चे को लॉ करा रहा है वो जैसे लॉ पढ़ने आता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने, तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा तो आपको तैयारी उसके लिए अलग से करनी पड़ती है। क्योंकि आप जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं आपको बहुत सारे अदर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो अदर सब्जेक्ट क्योंकि वो सिलेबस का कंटेंट होता है तो आप उससे अपने को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप जुडिशियल में जाएंगे तो उन सब के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ नहीं पढ़ाए जाते हैं, आपको हर स्टेट की अपनी अपनी लोकल लॉज होती है, ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए एवेन्यू कितना खोलते हैं। मैं तो कॉलेज से ये कहता हूँ कि जितने लोग आप लॉ कर रहे हैं हर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता है, हर कोई अच्छा वकील बन सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट में इसलिए कहता हूँ कि नहीं बन सकते हैं क्योंकि लिमिटेड पोस्ट होते हैं। तो जब लिमिटेड पोस्ट होंगे तो स्वाभाविक है कि उतने ही लोगों को लिया जाएगा और उतने ही लोगों में से एक दो नंबर 0.5 नंबर से एक दूसरे को चांस नहीं मिलेगा। तो इससे कभी ये समझना नहीं चाहिए कि हम उससे इन्फीरियर हैं, यू आर गुड, लेकिन क्योंकि वो नॉर्म्स होती है, कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स होते हैं तो उसमें आप जा ही नहीं सकते हैं। तो आपके लिए इसको हम नहीं कहते हैं कि यू हैव टू ओपन द विंडो। सो ओपन द विंडो में आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो आपको हेल्प करती है। पोस्ट ग्रेजुएशन की जब भी लॉ में जब बात की जाते हैं तो ये तो सिर्फ एक आप अलग से एक विंडो खोलने की बात सोचते हैं, तभी आप वहाँ आके आप उसको कीजिए।
अदरवाइज आपके लिए जुडिशरी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो उसमें कोई आपको हेल्प नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर कोई जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिलती है, उसकी वेटेज वहाँ दी जाती है, वो एक अलग इशू है, क्योंकि उसमें आपको एक्सेप्शन लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो एडिशनल उसको मॉनिटरी दिया जाता है, बेनिफिट दी जाती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये आपको सोचने की जरूरत है कि हमको कैसा वर्क में जाना है, क्योंकि मास्टर डिग्री का मतलब सिर्फ टीचिंग की बात होती है, और कहीं उसका कोई हेल्प नहीं होता है। और टीचिंग में उसके बाद भी आपको और समय लगेंगे, आप पीएचडी करेंगे, आजकल तो एंट्री पॉइंट में पीएचडी ये सब लग गया है, तो पीएचडी करेंगे तब, लेकिन आपको तुरंत अगर आपको फैमिली स्टेटस या फैमिली पोजिशन अगर आपको अलाउ नहीं कर रही है कि तुरंत इनकम में जाना है, तो फिर आपको ऐसे विंडोज खोल के रखने पड़ेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, जैसे हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चलती है, इट्स गुड, वो आपको अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो पेटेंट एजेंट, वो नाम पेटेंट एजेंट है लेकिन वो एक एडवोकेट से बहुत अधिक पैसा कमाता है। दूसरी तरफ से जैसे ट्रेडमार्क्स में अगर आप जाएंगे तो ट्रेडमार्क्स एग्जामिनर हो सकते हैं, कई ऐसे जो जगह है वो आपको खोल देता है कि जहाँ आपको अलग से। दूसरी बात है कि आप जुडिशियल में नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं तो बैंक्स हैं, अदर पब्लिक सेक्टर्स हैं, यहाँ पर लॉ ऑफिसर्स की बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट जब आप करते हैं तो सिर्फ उसमें, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, यू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं तो उसको तो जाने ही नहीं चाहिए, ना तो आप इधर के कर पाएंगे, ना तो आप इधर टीचिंग ठीक से हो पाएगी, ना तो आप उधर से जा पाएंगे। तो ये इंटायरली आपको जैसे फाइनल ईयर में आने के साथ आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आप अगर भटके हुए वहाँ रहेंगे तब आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम कौन सा करें। हमको अगर टीचिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तब तो आप उसमें आप चले जाएं, अदरवाइज हमको नहीं लगता है कि आप उसमें टाइम अपना वेस्ट करें, वो कंसेंट्रेट होकर अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर लेते हैं तो आप अपना कम्पिटिशन एग्जाम निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी, जैसा मैंने कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी आपके लिए बहुत है, लॉ फॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, दे आर आपके लिए बड़े बड़े, जैसे पब्लिक सेक्टर में तो आजकल कम ही हो गया है, लेकिन फिर भी वो लॉ फॉर्म्स अगर अच्छे पैसे रहते हैं वहाँ भी आप जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एडवोकेशन तो ओपन है, आप वहाँ जा सकते हैं। सर, स्टूडेंट्स असफलता से एकदम निराश हो जाते हैं, तो सर उसके लिए उनको उस असफलताओं से कुछ सीखने की ज़रूरत है? नहीं, जैसे असफलता ही तो सफलता की कुंजी है ये कहा जाता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो बड़ी लंबे एक्सपीरियंस के बाद लोग देखे हुए हैं। देखिए, असफलता में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप खुद को एनालिसिस करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हो गई। आजकल जैसे हर एग्जाम होते हैं तो फिर उसके मार्क्स आपको बता दिए जाते हैं, तो फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमने जो आंसर किया था वो कहाँ चूक हो गई। और यू आर द गुड, यू कैन से द जज दैट, यू कैन जज दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स, और द पर्सन दोज हु आर सिलेक्टेड यू कैन कंसल्ट विद देम, उनको आप उनसे बात कर सकते हैं कि यार मेरे कुछ ऐसे हो गए तो कहाँ ऐसा कुछ है कि कहीं, तो आप उनसे बात करके भी आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उनसे हम बात करेंगे तो क्या, ऐसा कुछ नहीं, आप उनसे सीख सकते हैं कि कहाँ। तो हताश होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हताश होने की, लॉ स्टूडेंट्स को तो कभी हताश होने की जरूरत नहीं है, इतनी एवेन्यू उनके पास है कि जो दूसरे लोगों के पास है ही नहीं। तो लेकिन आपको ये द्वार जो मैंने कहा कि विंडो जो है वो ओपन रखने पड़ेंगे। मैं अपने एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग के जो अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो नेट नहीं निकल पाया उसका, तो हम लोग के परिवार में नेट निकल गए, हम लोग बड़ा सरप्राइज कर रहे थे कि भाई ये उनका क्यों नहीं निकला। तो फिर उनको बड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी तो वहाँ इमीडिएट उसको जॉब की जरूरत थी, तो हम लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि यार तुम्हारे सब कुछ ठीक है, यू आर गुड इंजीनियर, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सो वेयर इज योर प्रॉब्लम। लेकिन वो एग्जाम को नहीं निकल पा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि तुम बैंक में ट्राई करो, और परिवार में वो बैंक में लॉ ऑफिसर बन गया, और यू बिलीव मी दैट नाउ ही चेंज मोर देन आई थिंक 5 और 6 बैंक्स। वो अब वो अपनी बार्गेन करता है कि
कोई आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई आता है तो इसका मतलब वो जानता है कि आप हमको कोई पेंशन योजना तो है नहीं, तो बेटर है कि यहाँ पैसा हमको अधिक मिलेगा और उसकी इतनी एक्सपर्टाइज हो गई है कि उसको हायर करते हैं लोग। तो स्टेट बैंक छोड़ कर उन्होंने ICICI बैंक ज्वाइन किया और फिर एक्सिस बैंक ज्वाइन किया, तो लगता है कि वो ड्रेस जैसे चेंज करते हैं हम लोग उसी ढंग से वो नौकरी चेंज कर रहा है, तो स्किल डिपेंड करता है। तो बहुत हताश होने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलरली लॉ स्टूडेंट्स तो एंजॉय कर सकते हैं सब्जेक्ट को अगर वो वास्तव में वो कुछ करना चाहता है, तो यहाँ कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट की कोई जगह ही नहीं होती ऑफिस को। और सर सारे स्टूडेंट्स एकेडमिक को या अदर जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एरिया में लॉ को, उसको हमेशा प्लान बी लेकर के चलते हैं, क्या उनका ये जो प्लान है वो ठीक है कि अदर लॉ को, अदर एरिया ऑफ लॉ को हम प्लान बी की तरह रखेंगे पर एक तो जुडिशरी? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये मैंने आपको जैसा कहा कि ये जो मेंटेलिटी है वो हम तैयार नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ है क्योंकि समाज में यह है कि जुडिशियल ऑफिशियल्स जो हैं उनको ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अधिक पैसा मिलती है और सैलरी हम लोग की ऑलमोस्ट एक ही होती है, ठीक है उनको कुछ अदर बेनिफिट्स मिलते होंगे बट सैलरी हमसे कम ही मिलती है। टीचर को आजकल तो प्रोफेसर को तो बहुत अधिक पैसा दिए गए हैं, तो पैसे में तो अधिक नहीं है लेकिन सोसाइटी एक सेटअप हो गई है कि और लोग कहते हैं कि वो थोड़ा पावर होता है तो पावरफुल और ये सोसाइटी की सेटअप है। आप एज ए टीचर जब जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट जाएगा तो उसकी अलग ही पूछ होती है क्योंकि वो पार्ट है, सेटअप की पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं है क्योंकि अपनी पार्ट है, तो उसमें लोग इसलिए उसको प्रिफरेंस देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आप अगर लीगल क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब तो एडवोकेसी से ही आपको आना पड़ेगा। बहुत ऐसे रेयरेस्ट ऐसे होते हैं कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के हाईकोर्ट तक भी पहुंचेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हायर जुडिशियल से जाएंगे तो हाईकोर्ट आप पहुंच सकते हैं, अदरवाइज एडवोकेसी है तो आप हाईकोर्ट के जजेस इलेवेटेड हो जाएंगे, वहाँ से फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ऊपर आपकी एम्बिशन अगर ऊपर जाने की है तो एडवोकेसी इज द यू कैन से द ओनली वन चॉइस, दूसरी तो है नहीं क्योंकि वहाँ एंट्री डायरेक्ट होती नहीं है। तो हमारे एक प्रोफेसर वीसी निर्मल कहते थे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स दे आर कलर लाइक दिस, तो हम लोग उसको उस समय समझ नहीं पाते थे, जबकि बाद में हम लोग देखें ये सर ऐसा क्यों बोलते हैं, तब हम लोग देखें अरे भैया ये तो बहुत मशक्कत करेंगे तब कहीं ADJ DJ बन पाएंगे, अदरवाइज वही आप लोअर लेवल में रहेंगे, लेकिन उसके स्टेटस फिर भी समाज की निगाह से थोड़े ऊपर है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट किया है तो वो नहीं है, लेकिन एज ए पावर वो सोचते हैं कि वो ठीक है, तो जहाँ पावर होगा लोगों का अट्रैक्शन हमेशा वहाँ होता है, किसी भी फील्ड में जहाँ पावर की बात होगी तो भाई अट्रैक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सर अगर कोई स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस होना चाहिए? देखिए ऐसे आज के समय में अगर आप इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन दो तरह से चल रहे हैं, ये बड़ा देश का एक आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के एजुकेशन हम चला रहे हैं वो अलग इशू है, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक मेरिट्स है डिमेरिट्स है। पर्टिकुलरली जैसे लॉ स्कूल BHU की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग जो 5 ईयर्स कोर्स है बड़ी लेट स्टार्ट किए हैं, 5 ईयर्स कोर्स की अपनी मेरिट्स है अपनी डिमेरिट्स है, 3 ईयर्स कोर्स की अपनी मेरिट्स है अपनी डिमेरिट्स है, तो हर चीज़ में कोई ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे क्या सेटअप करता है, कि हम अगर मेरी अपनी पर्सनल ये ऑब्जर्वेशन है, ये हो सकता है कि आप इसे सहमत हो नहीं हो, अगर कोई सहमत नहीं हो सकता है, ये जो 5 ईयर्स कोर्स है हमको लगता है कि स्टूडेंट्स कंसंट्रेट होके वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, इन द सेंस कंसंट्रेट होके, क्योंकि हम लोग 3 ईयर्स में एक्सपीरियंस ये किए हुए हैं कि मैं हमेशा 3 ईयर्स क्लास में हमेशा पहला दिन जब मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई आप तो सब ISIPS ऑफिशियल हो, ये हो सकता है कि आप एक अलग तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं इसलिए फिर आप लॉ की डिग्री कर रहे हैं, अदरवाइज ग्रेजुएशन ISIPS जो देश को एग्जीक्यूट करते हैं टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव वही होते हैं, तो जब आपके पास वो एजुकेशन है तो फिर आपको आगे और क्या इसकी जरूरत थी, पढ़ने की क्या जरूरत थी, लेकिन आप हो सकते हैं कि समाज को एक अलग रूप से हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप इसलिए लॉ में आए हैं। 3 ईयर्स को मैं हम लोग जब ये देखते हैं तो वो सारे समय में क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं
तो उनकी अपनी मजबूरी होती है, तो वो कई तरह के एग्जाम्स को देते हैं, तो लॉ में वो पूरी तरह से कंसेंट्रेट नहीं हो पाता है। ये उसकी एक डिमेरिट्स आप कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि वो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हर कोई उनके फ्रेंड्स कहीं अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में गए हैं तो लोग पैसा वैसा कमाने लगे होंगे, तो उनकी खुद ये लगता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा एडमिशन ले लेता है तो उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनको उसे कंसंट्रेट करके करना चाहिए और 3 ईयर्स के बाद वो फिर निकल जाएंगे। दूसरी बातें जो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँ, जो 5 ईयर्स कोर्सेस है, 5 ईयर्स कोर्सेस में बड़ी आराम से क्या एंट्री है कि कंसंट्रेट होकर करते हैं, तो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई को ध्यान से करता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं रहता है, क्योंकि अभी ग्रेजुएट्स नहीं है तो कोई क्लरिकल एग्जाम लिख सकता है, उसके अलावा कोई एग्जाम वो नहीं लिख सकता है, तो ये उसकी एक मेरिट हो सकती है। लेकिन किसी भी जब जगह जब जाएंगे, वो भले सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, नेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी क्यों ना हो, वो सारे भी जो 5 ईयर्स कोर्स को चला रहे हैं वो सेल्फ फाइनेंस चला रहे हैं, तो ये जो कमजोर परिवार के लोग हैं उनके बच्चे अगर वो 5 ईयर्स कोर्स में आना चाहते हैं तो ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू गेट दैट एजुकेशन। तो ये एक हम कहते हैं कि हमारे देश में इस समय जहाँ पर वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं, जहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, तो ये हायर एजुकेशन को अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। हालांकि सिस्टम्स कुछ चेंज हो गए हैं, बैंक फाइनेंस करती हैं, लेकिन लॉ में जैसे 5 ईयर्स कोर्स के भी आएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत कैंपस प्लेसमेंट होंगे, ऐसा अभी नहीं बन पाया है, तो उस हालत में उसको पैसे रिटर्न करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लॉ एक हम ये सोचते हैं कि अन्य विषयों से एक अच्छा है और आपके लिए कई एवेन्यूज को खोलता है। एट लास्ट सर, मैं चाहती हूँ आप हमारे सारे व्यूअर्स को ये कोई मैसेज दें कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ के जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं अपनी एकेडमिक लाइफ में, उसको कैसे फेस करें, क्या डिटर्मिनेशन के साथ उन्हें फेस करना चाहिए। देखो ये स्टूडेंट्स लाइफ में कहीं ना कहीं आपके कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए, और वो सबसे अधिक इंस्पिरेशन जो इंस्पिरेटर हो सकते हैं ये पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि मेरे पेरेंट्स बहुत वेल क्वालिफाइड नहीं थे, उस समय में वो सिर्फ मैट्रिकुलेट थे, लेकिन उनकी एक बात हमको यहाँ तक पहुँचाई, वो कहते थे कि पढ़ना कभी मत छोड़ना। और यही मेरे फादर की बात जो है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग्स करता था वहाँ लोगों को हायर एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता था। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि मैंने कई लोगों से पूछा था तो लोगों को BHU के बारे में पता नहीं था, तो मैं जब बनारस आया तब मुझे BHU के बारे में पता चला, जब BHU के बारे में पता चला तो मैंने फिर LLB करने के बाद सोचा कि LLM यहाँ से किया जाए। तो ऐसे जो व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सभी छात्रों को, ये है कि आपके हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि पेरेंट्स की अपने बच्चे के प्रति एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस बच्चे की उनकी हो सकता है एक्सपेक्टेशंस हो, लेकिन वो बच्चे के अच्छा के लिए वो सारी जिंदगी जो है उसको पूरा करने में वो लगा देते हैं। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने को केंद्रित करें, और उनकी एक बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे कि आप पेरेंट्स की समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा है, पूरा परिवार आपकी ओर देखता है, पूरे समाज आपकी ओर देखता है, तो समाज के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि आप भी कुछ अच्छा बन के कुछ दिखाएं। तो ये अगर इंस्पिरेशन आपके रहेंगे तो हमको लगता है कि आपको वही एक मनोबल देता रहेगा और आपके हर कठिनाइयों को सामना करने में वो एक ढाल के रूप में साबित होगा, और आप अपने मंजिल जो भी बनाए हैं, टारगेट जो सेट किए हुए हैं, उसको आप आसानी से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं अंत में आपके चैनल्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे काम करते रहें, आगे भी ऐसे काम करते रहें, आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें,
थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी माइन्यूट डिटेल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी। हम होप करेंगे कि हमारे सारे व्यूअर्स अपनी एकेडमिक लाइफ में ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी लाइफ को, अपनी एकेडमिक लाइफ को, वो चैलेंजेस को फेस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू करिश्मा।